बेसिकली इन्होंने बताया ना कि दिमाग से खेला वहां पे, या तो ये चीज सेम हम लोगों को पहले ये लगा कि जहां पे नॉक करा है वहां पे पुश करेंगे, बट उन्होंने दूसरी तरफ इसलिए करा क्योंकि अब दो प्लेयर खत्म कर दो, दूसरा तो पुश ऑब्वियसली नहीं आ सकता बिकॉज वहां पे वो रिवाइवल का प्रोसेस चल रहा है, फिर हील करेंगे तो वो कॉल कभी भी असिस्ट का आ ही नहीं सकता उस साइड से। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बीटीआर ने उस वाली फाइट को निकाला, बट अभी तो वार एज ए सेंट्रल सिटी ये सर्कल आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, बट कैसल बिल्कुल थोड़ी देर में बाहर होता हुआ नजर आएगा, बट अभी भी टीम सीक्रेट का स्क्वाड कैसल के आसपास वाले ब्रिज पे होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। सेंटर पे कौन सी टीम है, एज ऑलवेज ऑरेंज रॉक अभी हमें देखने को मिल रहा है, यू लेवल अप का स्क्वाड भी बहुत ही ज्यादा पास है, बट टीम सिनर्जी देखते हैं किस तरीके से विकेंडी वाला मैच निकालेंगे। बट टी1 के प्लेयर्स क्लोज डाउन कर चुके हैं टीम आईएनडी के डुओ के ऊपर, बट मिसाइल ने स्पॉट कर लिया है 420 ओपी को। योनजो ने ग्रेनेड डालने की कोशिश करने, क्या 420 ओपी इस वाले ग्रेनेड से नॉक करेंगे, ग्रेनेड फेंका जरूर है बट पीछे की साइड पे जाएंगे, बट कोई भी डैमेज देखने को नहीं मिला है। बट अभी योनजन वापस एक ग्रेनेड डालेगा, बट अल्ट्रॉन ने एक चाटा मारे 420 ओपी को एंड ये किल कंफर्म करेंगे योनजन, बिकॉज एक ग्रेनेड गया था फॉर अ कंफर्मेशन। किल सीलिंग देखने को मिल जरूरी है, बट अभी योनजन क्लोज एनकाउंटर में जाएंगे, स्लेयर ने एक प्रीनेड जरूर डाला है, मोलोटोव भी देखने को मिला है, मिसाइल उनके पास है उजी, क्लोज एनकाउंटर बीस्ट है, स्लेयर जितना स्मोक डालने की कोशिश करो उतना करने की कोशिश करो, बट अभी ब्लाइंड कर दो एनिमी को, बाद में देखो क्या ये क्लच हो सकता है, बिकॉज एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन है, 1v3 की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। यस सर, और यहाँ पर अगर अगर स्लेयर यहाँ पर कुछ क्लच मोमेंट या फिर एक या दो प्लेयर को डाउन कर देगा तो आई बिलीव यहाँ पे सेल्स जो है इस बात का फायदा उठाकर पुश कर सकती है, बट ZZP यहाँ पर स्लेयर के ऊपर एक नेड अटेम्प्ट करते हुए एंड कुछ डैमेज नहीं दिया फिलहाल स्लेयर को। T1 की जो टीम है वो भी एक्सपोज नहीं हो रही है बाहर आके, बिकॉज दे नो कि एक टीम है वहां पर जो कि सेल्ट्स है, और स्लेयर यहां पर अगर उनके प्लेयर्स को टेक डाउन कर लेता है एक या दो को तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर T1 टू सर्वाइव, बिकॉज सेल्ट्स का पुश वहां पे आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट जोन जो यहां पे है OR को एक तरीके से अच्छा खासा फेवर करते हुए, दे कैन मूव इन दे कैन मूव आउट, कहीं पे भी वो जा सकते हैं फिलहाल, और बहुत सारी टीम्स जो है जोन के बाहर है उनके लिए रोटेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ओह माय गॉड, स्लेयर ने कोशिश जरूर करी लेकिन पीछे से रॉक्स आते हैं वो फिनिश ऑफ जरूर कर देंगे, T1 के प्लेयर को रिवाइव मिल जाएगा, बट देन T1 के प्लेयर्स को बहुत अच्छी दिक्कत में यहाँ पर स्लेयर डाल गए थे, ही वाज जस्ट बेयरली ट्राइंग टू सर्वाइव इन दैट एरिया, बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में सेल्स के प्लेयर्स ऊपर है। अल्ट्रॉन वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं वो फिर से कोई और नॉक निकाल सके, क्योंकि इससे पहले जो 420 ओपी को डाउन किया था वो भी अल्ट्रॉन की M24 के द्वारा यहां पर किया गया था। अब T1 के प्लेयर्स अपने आप को जोन में देखना चाहिए क्योंकि अगले 6 सेकंड में इनको 300 मीटर जाना है, सेल्स की स्क्वाड की बात करें इनको 250 मीटर जाना है, हमेशा सेल्स वर्सेस T1 होते हुए देखने को मिलता है, और टीम सीक्रेट के यूआई को ऑन द अदर साइड भी पिक ऑफ किया है RCS के प्लेयर्स के द्वारा। अब प्रेशर बनाने की बारी आती है, आपको पता है आपका ओपोनेंट सर्कल के अगर बाहर है आप उनका कहीं ना कहीं से डैमेज डिश आउट कर सकते हैं और उनका मोमेंटम रोक सकते हैं, और उसकी कोशिश यहां पर हो रही है, 52 का डैमेज जरूर हुआ था बट ही इज मेकिंग इट टू अ सेफ साइड। रॉक्स ने वहां पे मैं बोलूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी जरूर थी, बट T1 के योनजो ने जिसको डैमेज दिया था, रॉक्स ने आखिरी में जोन से के डैमेज से वो वहां पे नॉक डाउन होता नजर आया, बट मेगा के पैराडॉक्स में नॉक डाउन बना के जा रहा है, क्लोज एनकाउंटर फाइट है, क्या मेगा स्टार निकाल पाएगा, इनको नॉक डाउन हो चुके, बट ये फाइट मुश्किल रहने वाली है स्वैग के लिए, वैक्सी ने एक और नॉक डाउन करा ऑन 1 HP, कांसेप्ट को अगर निकाल दो मेगा स्टार्स का स्क्वाड निकाल सकते वाली फाइट, बट स्वैग को भी अगर डैमेज दिया कांसेप्ट, ही इज नॉकिंग डाउन 1 by 1 वैक्सी 1 HP क्लच निकालेंगे एंड यस, बट दूसरा स्क्वाड वापस आएगा, ह्यूगा आया है और उनके साथ ही साथ लुओस भी आए, देखते किस वाली फाइट निकालेंगे, बट वापस से वैक्सी को 1v2 क्लच निकालना पड़ेगा, बट अंदर क्राउड जरूर करेंगे, बट वैक्सी यहाँ पे लुईस को भी नॉक डाउन कर चुके हैं, ही इज डूइंग वंडर्स ओवर हियर, बट बॉक्स का स्क्वाड यहाँ पे ये फाइट बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर देगा मेगा स्टार्स के लिए, मेगा स्टार्स का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है, अच्छी तरीके फाइट निकाली जरूर, बट यहाँ पे यूडे का जंपर बनकर भी नॉक डाउन करते हैं, बट बॉक्स का स्क्वाड भी एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा, बैक टू बैक स्क्वाड एलिमिनेट हुआ इस वाली फाइट में, यूड का स्क्वाड आखिरी में एक विजेता निकलेगा, बट RRQ के प्लेयर्स ने वहाँ पे वैल्डस के आमजॉन को पूरा फिनिश करा, बट आखिरी में RRQ के प्लेयर्स वो किल सीलिंग करने की कोशिश कर रहे बिकॉज उनके सामने ही वो सारी फाइट विद इन स्प्लिट सेकंड्स 2 से 3 स्क्वाड में फिनिश होते हुए नजर आए हैं। ऑन द अदर हैंड जोन जो हमारा है 5th वाला वो ऑरेंज रॉक को फेवर करते हुए कंप्लीटली, नाउ आई एम प्रिटी श्योर कि दे आर गोना एम फॉर दैट चिकन डिनर विदाउट टेकिंग मच फाइट्स, अभी उनको सिर्फ फोकस करना है अपने पोजीशनिंग पे एंड जहां जहां रोटेशन दिख रहे हैं वहां से किल्स उठाने के, किसी को भी स्लैम इन नहीं करने देंगे वो अपने ऊपर, दैट्स प्रिटी ऑब्वियस, बट राइट नाउ अभी इस सिचुएशन की बात करें तो सेल्ट्स यहां पर 2 प्लेयर डाउन है फिलहाल, 2 प्लेयर नॉक हो चुके हैं उनके एंड RCS का वहां पे धीरे धीरे आई गेस पुश देखने को मिल सकता है, बट MJ
कैन ही कैपिटलाइज ऑन दिस सिचुएशन, कैन ही कैपिटलाइज ऑन दिस हाइट एडवांटेज, बट नहीं, यहाँ पे यू लेवल अप के एक प्लेयर ने डाउन कर दिया है उनको भी, एंड बहुत ही मुश्किल होने वाला है यहाँ पे सेल्स के लिए सिचुएशन। बट लेट्स सी क्या होता है, एसजीई फिलहाल जोन के बाहर है एंड उनके लिए भी जोन में आना काफी मुश्किल होगा बिकॉज दो या तीन स्क्वाड्स ऑलरेडी एज पर बैठी हुई है। गिल ने जोनाथन को नॉक डाउन करा है, क्या वो एक शुरुआत हो सकती है ऑरेंज रॉक वर्सेस टीएसएम एंटिटी, बिकॉज दोनों टीम जरूर जोन के अंदर एक बेस्ट पोजिशन लेने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे मिडरेंज फाइट नजर आ रही है हम लोगों को, सेल्स के दोनों प्लेयर जोन से जूझते हुए नजर आएंगे, बट आरसीएस के प्लेयर मेक श्योर करेंगे कि वो दो किल्स उनके नाम जाए। रिजेश स्कारलेट जरूर चाहेगी फाइट निकालना, रॉक्स तो ऑब्वियसली अब ब्रेक डाउन किया ही जाएगा, बट देन जो पीछे बाकी प्लेयर्स है जो एक पत्थर का कवर लेकर बैठे, क्या पत्थर का कवर, इनफ होगा स्मोक्स करना चाहते हैं, बट स्मोक्स वोंट बी इनफ, रॉक्स अकेले यहां पर सेरा के पास जा चुका है। अब आरसीएस के सेरा को भी आगे मूवमेंट देना है क्योंकि इनको 150 मीटर जोन में जाना है। अल्ट्रॉन इज ट्राइंग टू स्पॉट द प्लेयर्स, एकेएम रेगी 37 बुलेट से रीलोड के ऊपर अभी ज्यादा नहीं देखना चाहते, लेकिन वेब धीरे धीरे आगे जाना चाहते हैं। M4 वर्सेस एकेएम की फाइट हो सकती है, लेकिन एट द एंड अपनी गन मैकेनिज्म को अच्छे समझने वाला ही यहां पर जीत पाएगा। और सेल्स के प्लेयर्स ने डिसाइड किया है पहले जोन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, मूवमेंट ऑलरेडी दे रहे हैं, बट अल्ट्रॉन को लेके स्मोक के थ्रू आ रहे हैं, स्मोक के एरिया से स्पॉट करने की कोशिश की, अल्ट्रॉन स्पॉटेड है, लेट चुके हैं, लेकिन लेट यहां पर फायदेमंद नहीं होगा और सेल्स की स्क्वाड यहां पर वाइप आउट हो जाएगी बिकॉज आरसीएस के वेब वहां पर खड़े थे फाइट लेने के लिए। टॉप 10 टीम्स हमारे पास बची हुई है, 35 प्लेयर है, देखते किस तरीके से फाइट निकलेगी। अभी भी सेंटर ऑरेंज रॉक के पास है, बट देखते गेट कीप के लिए आरआरक्यू रेडी है, वैल्डस का स्क्वाड रेडी है, सेम गोज फॉर टीम सिनर्जी, दे आर नॉकिंग मल्टीपल प्लेयर्स। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे आपने देखा होगा कि टेड ने दो प्लेयर्स को, वो भी अलग अलग टीम्स के, जो जोन में गेट कीप कर रहे थे, ऑलमोस्ट जोन में गेट कीप कर रहे थे, उनको वहां पे टेक डाउन किया। नाउ इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर देम टू मूव इनसाइड एंड देयर यू कैन सी एक पुश ऑलरेडी एसजी ने मार दिया, बट क्या इस चीज पे वो कैपिटलाइज कर पाएंगे इस सिचुएशन पे, बिकॉज अभी भी दो स्क्वाड्स उन पे अटैक कर रही है। बट ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि TSM के लिए भी वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो चुका था सिचुएशन, एंड ऑरेंज रॉक ने उनके ऊपर किल, उनका एक किल सिक्योर किया है TSM एंटिटी को टेक डाउन करके। बट SG के लिए यस इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट एज दो स्क्वाड्स के साथ उनका फाइट हुआ एंड वो उनके बीच में आगे, बट ऑस्टिन बॉक्स यहां पे अपने लिए किल जो सिक्योर करना चाहते थे वो भी उसमें नाकामयाब रहे। सिनर्जी के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल तब हो गई जब वो चलती गाड़ी से एकदम से कूदे और उसके कारण वहां पर उनका भी एलिमिनेशन धीरे धीरे शुरू। एलिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पर टीएसएम एंटिटी भी एलिमिनेट हो चुके हैं, बीटीआर के लक्सी ने नियो को वहां पर डाउन किया था, बीटीआर के लक्सी यूलेवल से फाइट ले रहे हैं। आप देखिए होश वन को वहां टेक डाउन कर चुके हैं, बीटीआर यूलेवल ये जो टीम्स एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर चढ़ना चाहेंगे बिकॉज एक मेंटल गेम भी बन जाता है। थोड़े से गेम्स बचे हैं, उन थोड़े से गेम्स में आपको अपने एनिमीज पे एक मेंटल प्रेशर भी डालना है ताकि वो चोक कर जाए और गेम्स निकाल पाए। चोक की बात करें आप देखिए आर डी टू सोन के बाहर हील बैटल्स कर रहे हैं जबकि बी एल आगे जाना चाहेंगे, डी टू भी अब मूवमेंट कर रहे हैं, वो मूवमेंट करके आगे जाएंगे। सातवां जोन है, 45 सेकंड है, इसके बाद एक और जोन और फिर हील बैटल की स्टोरी हमारी शुरू हो सकती है। बीटीआर का स्क्वाड हमें पता है वन ऑफ द बेस्ट टीम्स जो ये जानती है कि विकेंडी की एरियाज को कैसे होल्ड करना होता है। ऑरेंज रॉक ट्रेवल एजेंसी आप लोगों को दिखी थी बहुत पहले इसी एरिया पे, तीन डासिया खड़ी हुई थी, देखते किस तरह पे पार्टिकल बिकॉज बीटीआर के राइजर और जक्सी आप लोग देखेंगे हायर ग्राउंड में, उनके पास भी व्हीकल्स है, कवर वो लोग बना सकते हैं इंस्टेंट, बट अभी वीरू के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि तीन किल्स अपने लिए निकाल सकते हैं। अच्छा खासा डैमेज जरूर दिया था, बट नॉक देखने को मिला सामने से रिटेलिएशन फायर आते हैं जरूर, डैमेज दोनों प्लेयर के दिए, स्काउट को भी अच्छा खासा डैमेज दिया, एक लो टॉस ग्रेनेड क्या देखने को मिलेगा, बट ओवर हैंड ही उन्होंने ट्राई करा है जस्ट इन केस वहां पर वो रीच आउट ना करे। बट डैमेज के मामले में बात करें, ग्रेनेड बहुत ज्यादा फटा था बट इतना डैमेज नहीं दिया, बट सक्सी एक फ्लैंकिंग पोजिशन अपने लिए बना चुके हैं, बट फ्रेडो नॉकडाउन करेंगे वैल्डस के मार्टिन को, गुडार्ड भी नॉकडाउन हो जाएंगे यू लेवल अप के विंटर के द्वारा, थर्ड पार्टी देखने को मिलती है वहां पे, बट यू लेवल अप के प्लेयर के पास एक हाई क्राउड एडवांटेज है, बी आर 11 नॉकडाउन हो जाएंगे, बट ये फाइट वैल्डस के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। टॉप 6 टीम्स हमारे पास जिंदा है, ऑरेंज रॉक के तीन प्लेयर अभी भी उसी डिप के पास, टाइम थोड़ा सा डिले कराने की कोशिश कर रहे बिकॉज बीटीआर के प्लेयर्स के पास अभी कोई मौका नहीं रहेगा, बट आरसीएस के प्लेयर्स भी यहां पे एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। डिप इंपॉर्टेंट है लेकिन डिप के ऊपर की हिल भी इंपॉर्टेंट बच जाती है यहां पर, क्योंकि जो टीम हिल के ऊपर है वो यू लेवल और वो प्लेयर्स स्किल्स निकाल रहे हैं। माविन ने वहां पर लक्सी को टेक डाउन कर दिया, बीटीआर ऑलरेडी यू लेवल से फाइट ले रही थी लेकिन ऑरेंज जॉक को पता चल चुका उनके सामने कहां की फाइट है, वीरू आगे जा रहे हैं, मोनोटॉप्स किए जा रहे हैं ऑरेंज जॉक के द्वारा, क्या ऑरेंज जॉक बीटीआर को यहां पर वाइप कर पाएगी, देखिए एग्रेशन बहुत बेहतरीन जाता हो यहां पर ऑरेंज जॉक के डायरेक्शन से और मूवमेंट एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। गिल ऊपर जा चुके हैं, मावी ऊपर जा चुके हैं, स्काउट राइट एंड साइड से, वीरू राइट एंड साइड से, बीटीआर के लक्सी को जरूर फिनिश ऑफ किया जा सकता है यहां पर, लेकिन माइक्रोबॉय को भी वीरू टेक डाउन करेंगे। ऑरेंज डॉग इस फाइट में अपना पलड़ा ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन साइड से ग्रेनेड आएगा राइजन का जो स्काउट को टेक डाउन कर चुका है और जोन के एकदम एज पर स्काउट को एक पिक्सल के पास वहां पर रिवाइव दिया जाएगा, जोन और आगे होता स्काउट ऊपर ना चढ़ पाते। एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया खेला यहाँ पे ओआर ने, उनको पता था कि बीटीआर का एक प्लेयर तो पीछे रहा ही होगा जिसको ऑलरेडी गिल एंड वीरू ने स्पॉट कर लिया था, बट अब बीटीआर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लिए एक जगह सिक्योर कर ली है। ओआर का यहाँ पे अब सिर्फ पुश देखने को मिलेगा, दैट्स इट, एंड यहाँ पे मावी एक प्लेयर को डाउन करते हुए, एंड नाउ इट्स अ वेरी
बैड सिचुएशन फॉर बीटीआर बिकॉज 4-2 का सिचुएशन हो चुका है एंड एक और प्लेयर को मवी डाउन करेंगे दैट्स अमेजिंग गेम प्ले बाय मवी और अब यहां पे हो चुका है 4-1 स्काउट डाउन होते हुए कैन मवी क्लच दिस सिचुएशन फॉर देम एंड सिक्योर अ वेरी गुड पोजीशन ओआर गिल को भी यहां पे राइजन ने डाउन कर दिया है विल दिस बी एबल विल मवी बी एबल टू क्लच इट नो बट देन राइजन विद दैट 1-3 क्लच ऑन ऑरेंज रॉक आखिरी में थर्ड पोजीशन पे आउट करते हुए आखिरी में ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक एक करके मरते हुए नजर आए हम लोग बट बीटीआर के पास 13 किल्स है राइजन विद दोस 8 किल्स क्या यूट्यूब के सामने 1-3 का क्लच निकाल पाएगा बट ही वाज 1 एचपी ओवर देयर।